हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर कवरिंग आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज गोनोरिया व्हिच इज बीइंग कवर्ड इन सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस। सो लेट्स स्टार्ट। नाउ व्हाट एक्चुअली गोनोरिया इज? तो गोनोरिया इज अ काइंड ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज व्हिच इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया नेसीरिया गोनोरिया। द वर्ड नेसीरिया इज बीइंग डिराइव्ड फ्रॉम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड इट, नेसीरर एल्बर्ट। And gonorrhea is being divided into two Latin words, gonos, which means seed, and rho, which means flow. Which is the actual meaning of the word is flow of seeds, which indicates the penile purulent discharge during the infection. So Neisseria gonorrhea is a kind of gram-negative oval bacterium, which includes the infection of gonorrhea. Talking about the incubation period, it usually lasts about 2 to 10 days, but not more than 14 days. Gonorrhea is being transmitted during this incubation time. एक टाइम का ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है ये, नॉन मोटाइल होता है, नॉन स्पोर फॉर्मिंग होता है, ऑब्लिगेटेड एरोब्स यानी कि ऑक्सीजन इसे नीडेड होती है ग्रो करने के लिए, एंड विच कैन बी इजिली स्टेन टू सेफ्रेनिन एंड कैन बी डिटेक्टेड इन द लेबोरेटरिकल टेस्ट। अब व्हाट आर द साइट्स ऑफ इन्फेक्शन? सबसे पहले हमारी आती है यूरोजेनाइटल ट्रैक। मेल्स में प्राइमरी साइट इज एंटीरियर यूरिथ्रा, इन फीमेल्स में यूरिथ्रा एंड सर्विक्स। एक्स्ट्रा जेनाइटल साइट्स आपकी हैं रेक्टम, फेरिंग्स, आईज। दीज आर द स्पेसिफिक साइट्स फॉर गोनोरियल इन्फेक्शन। मेटास्टेटिक गोनोरिया ऑल्सो नोन एज डाइसेमिनेटेड गोनोकोकल इन्फेक्शन। इसमें क्या होता है? इसमें बताया गया कि अदर पार्ट्स में गोनोरिया कैसे हमारा डेवलप होना शुरू हो जाता है। सो इन मेल्स इट इज मेनली बीइंग स्प्रेड एज द इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन के रूप में ही अदर अदर पार्ट्स में मेल्स के डेवलप होता है, जैसे यूरिथ्राइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ यूरिथ्रा, प्रोस्टाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ प्रोस्टेट, एपिडिमाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ एपिडिमिस। फीमेल्स के केस में यूरिथ्राइटिस यूरिथ्रा, वेजिनाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ वेजाइना, सर्विसाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ सर्विक्स। सो दिस इज बीइंग नोन एज डाइसेमिनेटेड गोनोकोकल इन्फेक्शन, एंड इन फीमेल्स इट इज मोस्टली बीइंग एसिम्प्टोमेटिक। अदर पार्ट्स में स्किन डर्माटाइटिस, जॉइंट अर्थराइटिस, मेनिंजेस, मेनिंजाइटिस। फीमेल्स में ये मोस्टली डेवलप करते हैं आपका पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, एंड इवन दो फिट्स हग कर्टिस सिंड्रोम, इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिटोनियम विच अल्टीमेटली लीड्स टू डिसेक्शन ऑफ लिवर सेल्स। कुछ टाइप के रेयर इन्फेक्शन है जैसे जॉइंट्स में आपका हो गया गोनोकोकल अर्थराइटिस, हार्ट में एंडोकाइटिस मे अफेक्ट द वॉल्स, एंड मोस्ट कॉमनली इट इज बीइंग सीइंग इन एडोलेंट्स विच आर बीइंग सेक्सुअली एक्टिव। फिर प्रेग्नेंट लेडीज में इट इज बीइंग ट्रांसमिटेड ऑप्थेल्मिया न्यूट्रम, इन विच इट इज बीइंग ट्रांसमिटेड टू द बेबीज ड्यूरिंग द डिलीवरी और थ्रू द ब्लड सर्कुलेशन। स्पेसिफिक सिम्टम्स की बात करते हैं यहाँ पे, तो सिम्टम्स दैट आर बीइंग मोस्ट कॉमनली सीन इन मेल्स इज बर्निंग व्हेन यूरिनेटिंग, यूरेथ्रा डिस्चार्ज दैट कैन बी ब्लडी और प्यूरुलेंट, या तो वाइट डिस्चार्ज प्यूरुलेंट हो सकता है या ब्लड के थ्रू हो सकता है, ब्लड भी हो सकता है, ब्लड डिस्चार्ज भी हो सकता है। पेशेंट में एक्सपीरियंस अर्जेंसी और मिक्सचुरेशन, एक अर्जेंसी होती है यूरिनेट करने की एंड नोटिस, एंड यूरेथ्रल डिस्चार्ज इज आल्सो सीइंग ड्यूरिंग द यूरिनरी डिस्चार्ज। यूरेथ्रल मीटर्स में भी रेडेंट और स्वेलन, यूरेथ्रल ओपनिंग जो है हमारी वहां पर रेडनेस और स्वेलन स्वेलिंग भी हो सकती है। इवन दो फ्लूड डेवलप्स इडीमा कैन बी सीन देयर। In some cases, lymph nodes on both sides are slightly enlarged and tender. Females के case में dysuria, that is being discharged through the rectum, through the urethra. Lower abdominal pain, which is due to pelvic inflammatory disease, with dyspareunia, internal menstrual bleeding. Last 3 months usually occur when gonococcal arthritis becomes complicated indicative of PID, that is pelvic inflammatory disease.
फेस में वही आपके सारी सिम्टम्स हैं, जैसे कि थिक वाइट प्यूलेंट डिस्चार्ज, वेजाइनल इचिंग, इन्फेक्शन इन सर्विक्स, यूरेथ्रा डिस्चार्ज, रेडनिंग ऑफ द यूरेथ्रा, सर्विक्स इन्फेक्शन एक्सेट्रा। अब बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की, सो हाउ इट इज बीइंग ट्रांसमिटेड। जो हमारे बैक्टीरिया है उसके पास एक स्पेसिफिक टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे हम बोलते हैं पिलाए, दैट इज बीइंग यूज्ड फॉर द अटैचमेंट टू द होस्ट सेल एंड हेल्प्स द बैक्टीरिया टू फिजिकली कनेक्ट। इन्हीं के साथ साथ इनके पास होता है कंजुगेशन पाइलस, विच अटैचेज द बैक्टीरियम टूगेदर, दैट हेल्प्स टू स्वैप द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द होस्ट, इंक्लूडिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स। फिर इनके पास क्या होता है, एक स्पेसिफिक टाइप का एंटीजेनिक प्रोटीन्स होते हैं, दैट आर स्पेसिफिकली यूज बाय द बैक्टीरिया टू इन्फेक्ट द होस्ट, जिसे हम बोलते हैं फेज वेरिएशन। नॉर्मल केसेस में क्या होता है, जब हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है तो हमारी जो एंटीबॉडीज हैं वो स्पेसिफिक टाइप की एक मेमोरी बना लेती हैं उस इन्फेक्शन के लिए, जिससे कि वो अगर फर्दर फ्यूचर में कभी होता है तो उसके स्पेसिफिक रिएक्शंस ट्रिगर हो सके। लेकिन यहाँ पे ये बैक्टीरिया क्या करता है, इसके पास स्पेसिफिक एंटीजेनिक प्रोटीन्स होती हैं जो ये हर बार हर इन्फेक्शन में ऑल्टर कर लेता है, जिसकी वजह से क्या है, हमारा इम्यून सिस्टम उसे रिकग्नाइज नहीं कर पाता इजिली, जिसकी वजह से क्या है, ये परसिस्ट करते हैं हमारे बॉडी में। न्यूट्रोफिल्स आर नॉट बीइंग एबल टू रिमूव देम थ्रू फेगोसाइटोसिस। फिर ये स्पेसिफिक टाइप के टॉक्सिन्स भी रिलीज करते हैं, जैसे सबसे पहला आपके आ गया आईजीए प्रोटीएज, विच इज अ टॉक्सिक प्रोटीन एंड डिस्ट्रॉयज आईजीए एंटीबॉडी, विच इज अ इम्यून सिस्टम प्रोटीन एंड ऑप्शनाइजिंग द विच इज बीइंग यूज फॉर ऑप्शनाइजिंग इन्वेडिंग बैक्टीरिया, दैट इज फॉर रिमूविंग द बैक्टीरिया फ्रॉम द बॉडी। इट न्यूट्रलाइजेज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस लाइक दिस। सेकेंडली क्या है, जब ये फेगोसोम के थ्रू एंगल्फ हो जाता है, फिर H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड रेडिकल्स आर बीइंग यूज्ड फॉर डिस्ट्रॉइंग द बैक्टीरिया, बट क्या करता है, इट रिलीजेस कैटालेसेस व्हिच ब्रेक डाउन द H2O2 एंड स्टार्ट्स मल्टीप्लाइंग इन द फेगोसोम, अल्टीमेटली इट रिलीजेस इनटू द ब्लड व्हिच इज नोन एज गोनोकोसीमिया। इन म्यूकस मेम्ब्रेन इट इज बीइंग ट्रिगर्ड टू LOS लिपोओलोसेक्राइड्स, दैट इज अ सेल वॉल एंटीजन दैट ट्रिगर्स अ वाइड स्प्रेड इम्यून रिस्पॉन्स एंड विच कॉजेज सेप्सिस, दैट इज द डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स इन विच वाइटल ऑर्गन डजंट गेट इनफ ब्लड। वहां पे ये क्या करता है, साइलेशन के थ्रू वर्क करता है, जैसे कि रैप्स एंड द सेल वॉल विच इज बींग फिल्ड विथ सेलिक एसिड एंड हेल्प्स टू हाइड द इट्स LOS एंटीजन एंड माइग्रेट्स टू द ब्लड स्ट्रीम इन टू द डिफरेंट पार्ट लाइक जॉइंट्स, हार्ट एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर एंड कॉजेज इन्फेक्शन इन अदर पार्ट एंड ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो ट्रीटमेंट में आपकी एंटीबायोटिक्स यूज होती है, जैसे कि आपकी सबसे पहले हो गई सिफिक्टाजोन एंड स्पेक्टोनोमाइसिन सिफिक्टाजमीन, दीज आर सम काइंड ऑफ एंटीबायोटिक्स विच आर बींग यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गोनोरिया।
Azithromycin is also used because of the infection of chlamydia that is being associated with gonorrhea, so that both the infections can be treated simultaneously. अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अनदर टाइप ऑफ एसटीडी दैट इज बीइंग कॉल्ड एज साइफिलिस। साइफिलिस क्या है? साइफिलिस इज अ काइंड ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज व्हिच इज बीइंग कॉज्ड बाय ट्रिपोनिमा पैलिडम व्हिच इज अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड इट इज बीइंग कॉज्ड बाय सेक्सुअल ट्रांसमिशन और सेक्सुअल कॉन्टेक्ट। It leads to invasion through the skin or mucous membrane or external gelata or mostly through mouth. It is being found in the form of spirochetes, that is in the spiral form that gives this it a spiral shape. अब ये दो तरीके से होती है, acquired और congenital. Acquired syphilis में क्या होता है? It is being transmitted or enters through the body through the body fluids like cuts and breaks in the skin or mucous membrane, external genitalia or mouth. Secondly, through sexual contact, oral, anal, vaginal sexual contact, contaminated needles, direct contact with the skin lesion, that is spirochetes. Congenital syphilis is when the mother is being infected and it transmits this infection to the baby through the uterus or when existing the baby through the vagina. What are the stages of infection of syphilis? So first is primary stage or early localized stage. It starts from 1 to 3 weeks after Treponema pallidum lands on the skin or mucous membrane and starts destroying the soft tissues of the skin causing spherulitic cancre, which leads to the formation of spirochetes that is being observed on the skin that consists of hard base and fluid rich spirochetes and a raised border which spreads to the other parts of the body and even to the other individuals. Primary stages mein सबसे पहले हमारे जो कैंग्री होता है वो ट्रांसमिट होता है थ्रू सेक्सुअल कॉन्टेक्ट और फिजिकल टच ऑफ अदर पर्सन या एक्सटर्नल जेनिटेलिया के थ्रू या हैंड्स और अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इवन क्या है, सम कुछ मंथ्स के बाद ही अपने आप हील अप हो जाता है। इन सम केसेस इट लीड्स टू इट्स वे टू द लिम्फ नोड्स वेयर इट कॉजेस लिम्फेडेनोपैथी दैट इज द एनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ एंड फाइनली इट रीचेस टू द ब्लड and we can say that blood is not mere primary cancre. ab baat karte hain secondary stage ki, to secondary stage mein it develops from 2 to 10 weeks after the cancre is healing or already healed. wahan pe ye kya karta hai, non itchy maculopapular rash karta hai, small bumps of flat rashes which is being seen in the lower part of the abdomen where it enters into the blood and causes generalized lymphadenopathy. Then it transmits from trunk to arms, palms, genitalia, legs, soles, etc. फिर तीन तरीके से ट्रांसमिट होता है। फर्स्ट होता है आपका पिस्टुलर, जिसमें क्या है, व्हाइट फ्लूड लाइक मटेरियल फिल्ड होता है आपकी स्किन पे। सेकेंड पेपुलोस्केमस, जो स्केली और हार्ड टाइप का बम्प होगा हमारी स्किन पे। कॉन्डिलोमा लेटा, स्मूथ वाइट पेनलेस जेनिटेलिया एंड एनल रीजन आर्मपिट्स। अब बात करते हैं लेटेंट साइफिलिस की, जिसे हम बोलते हैं डोरमेंट और एसिम्प्टोमेटिक। इसमें क्या है, स्पायरोचीज एग्जिस्ट इन द कैपिलरीज ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यूज। ये भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, हमारी अर्ली फेज और लेट फेज। अर्ली फेज में क्या है, अर्ली फेज अकर्स विद इन अ ईयर ऑफ इन्फेक्शन इन विच स्पायरोचीज एग्जिस्ट इन द ब्लड स्ट्रीम एंड लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सिम्टम्स। लेट फेज अकर्स आफ्टर अ ईयर ऑफ द इन्फेक्शन इन विच द स्पायरोचीट स्टेज इन द ऑर्गन्स एंड टिश्यूज ऑफ द बॉडी। लास्ट हमारी आती है टर्शियरी साइफिलिस,
टर्शियरी साइफिस में क्या होता है, हमारे कुछ स्पायरोचीट्स हमारे ब्लड स्ट्रीम में रह जाते हैं, जिसकी वजह से क्या है, वो एक टाइप का सीवियर इम्यून रिस्पॉन्स देते हैं, जिसे हम बोलते हैं टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, विच लीड्स टू द एक्टिवेशन ऑफ टी सेल्स दैट रिक्रूट्स मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस रिक्रूट होंगे तो वहाँ पे क्या है, हमारे इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स आ जाते हैं, जैसे ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, विच अल्टीमेटली लीड्स टू इन्फ्लामेटरी रिएक्शन लाइक स्वेलिंग, इडीमा, रेडनेस, फीवर, वॉर्म्थ। ये इस वजह से होता है क्योंकि उस पर स्पेसिफिक टाइप के एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं ट्रिपोनिमा पैलेडम पे, जैसे होता है ग्रुप स्पेसिफिक एंटीजन जो स्पेसिफिक होता है सारे ट्रिपोनिमा स्पीशीज पे, फिर स्पीशीज स्पेसिफिक एंटीजन दैट आर स्पेसिफिक टू स्पीशीज एंड कार्डियोलिपिन दैट इज स्पायरोचाइट्स एंड सेल्स ऑन आर बॉडी। तो दीज आर द स्टेजेस ऑफ साइफिलिस। पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो पैथोफिजियोलॉजी, जैसे कि मैंने बताया, इट इज बी इट एंटर्स इनटू द बॉडी एंड स्टार्ट्स डिस्ट्रॉइंग द सॉफ्ट टिश्यूज ऑफ द स्किन वेयर इट कॉजेज अ साइफिलिटिक कैंक्री, देन इट लीड्स स्प्रेड एज अ स्पायरोचीट्स दैट आर बीइंग ऑब्जर्व ऑन टू द स्किन विच आर ऑफ 3 टाइप्स दैट आई टोल्ड यू अर्लियर, दैट इज पिस्ट्यूलर, पेपिलोस्क्वेमस और कॉन्डिलोमलेटा। उसके बाद क्या है, एक टाइप का इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर होता है जो मैंने अभी बताया, जिसे हम बोलते हैं टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन फॉर रिमूविंग द बैक्टीरिया फ्रॉम द बॉडी विच लीड्स टू एक्टिवेशन ऑफ टी सेल्स। टी सेल्स क्या करती हैं, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स को ट्रिगर आउट करती हैं, ट्रिगर करने के बाद वहाँ पे इन्फ्लामेटरी रिएक्शन देखा जाता है विच अल्टीमेटली इनिबिट्स द स्प्रेड ऑफ द इन्फेक्शन एंड लीड्स टू प्रोटेक्टिव एंड लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी। साइंग एंड सिम्टम्स की बात करें, साइंग एंड सिम्टम्स में आपके स्पेसिफिक सिम्टम्स आ गए अल्सर, सोर्स, वेजाइनल डिस्चार्ज, वॉट लाइक ग्रोथ्स ऑन जेनिटल्स एज आई टोल्ड दैट आई हैव सीन इन द फॉर्म ऑफ स्पायरोचीट्स, रैशेज, स्मॉल बम्प्स, अल्सर्स, फैटीग, इचिंग, माउथ अल्सर, स्वेलिंग लिम्फ नोड्स, रेडनेस, फीवर, वेट लॉस, इचिंग, रैशेज ऑन पाम्स एंड सोल्स, रेक्टल लाइनिंग इन्फ्लामेशन। तो दीज आर द काइंड ऑफ स्पेसिफिक टाइप ऑफ साइंग एंड सिम्टम्स। ट्रीटमेंट की बात करते हैं यहाँ पे, तो ट्रीटमेंट में अर्ली साइफिलिस में वी यूज बेंजाथीन पेनिसिलिन विच इज बींग यूज इंट्रामस्कुलरली, secondly procaine penicillin is being used, then some kind of antibiotics are being used like ciftriaxone and other kind of antibiotics are also being used for the treatment of syphilis. Thank you.